बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास फिफ्थ यूनिट नंबर सिक्स करेंगे। आज का हमारा लेसन है द स्विंग्स। इसको रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। चलो आए स्टार्ट करते हैं। द स्विंग्स, झूला झूला झूलना। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? आप झूले में ऊपर जाना कैसे पसंद करते हैं, यानी कैसे लगता है, यानी जब कोई कोई जब झूला झूलता है, जब झूला ऊपर की तरफ जाता है तो आपको कैसे लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको सारा सब कुछ ब्लू दिखाई देता है। ओह आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग, आह मुझे लगता है कि ये सबसे खुशगवार चीज़ है। मीन्स यहाँ पे रॉबर्ट लुइस कहता है कि मैं समझता हूँ या सोचता हूँ कि सबसे खुशगवार कि ये सबसे खुशगवार चीज़ है। एवर चाइल्ड कैन डू, जो एक बच्चा कर सकता है। मीन्स अक्सर बच्चों को जो है झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ऊपर हवा में और दीवार से भी ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, मीन्स मैं दूर दूर तक मतलब देख सकते हैं। मीन्स जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें दूर दूर तक जो है मतलब चीज़ें दिखाई देते हैं। रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड्स, मीन्स यहाँ पे के मतलब कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देते हैं जब हम झूले में बैठकर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो रिवर एंड ट्रीज मीन्स यहाँ पे समंदर हमें दिखाई देते हैं, हमें दरिया दिखाई देते हैं, दरख्तें दिखाई देते हैं, मवेशी और बहुत सी और भी चीज़ें हमें दिखाई देते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और जब झूला झूलते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो सब कुछ हमें हरा भरा दिखाई देता है। और जब मींस और जब हम मतलब हवा में जाकर नीचे मतलब देखते हैं तो मुझे सब्ज रंग के बागात दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और हमें जो है नीचे घरों के जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें घरों की छत जो है वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर हवा में उड़ने के लिए मैं दोबारा मतलब जा रहा हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, इसी तरह अब मैं हवा में ऊपर और नीचे बार बार झूलता रहूँगा।